वालेकुम। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो फिर कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल खेलने जा रही है एशिया कप का। गो के इस एशिया कप में कोई सेमीफाइनल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिर भी सेमीफाइनल की तरह ये मैच खेलेगी अगर ये मैच हो जाता है। 80% बारिश के इम्कान इस मैच में बताए जा रहे हैं, और अगर बारिश हो जाती है तो फिर हमें वापस आना होगा, क्योंकि रन रेट जो भारत से हम मैच हारे थे 288 रन के बड़े मार्जिन से, उसके बाद अब हमारे सिर्फ फतह ही फाइनल में रसाई दिला सकती है। तो इस वक्त की ये सूरत हाल है। जिस तरह की खबरें आ रही थी पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी, नसीम शाह आज रूल्ड आउट हो गए, एक बहुत बड़ी खबर है। वर्ल्ड कप में अब एशिया कप ख़त्म होने में 3 दिन रह गए, 17 दिन के बाद वर्ल्ड कप होने, नसीम शाह के हवाले से इस तरह की खबरें कौम को डरा देती है। इंशाअल्लाह वो सिर्फ एशिया कप से रूल्ड आउट हुए होंगे, वो हमारे की बॉलर हैं और उन्हें होना चाहिए वर्ल्ड कप में। लेकिन दूसरी जानिब हारिस रऊफ भी जो है वो कल का मैच नहीं खेल रहे हैं। जो पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस की है उसमें 5 चेंजेस की गई हैं। उन 5 चेंजेस में फ़हीम अशरफ की जगह मोहम्मद नवाज़ लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेकर आए, फ़खर जमान की जगह हारिस विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं जो मोस्टली T20 खेलते हैं। हारिस रऊफ की जगह वसीम जूनियर ने संभाली है, जबकि नसीम शाह की जगह जमान खान, देखना होगा जमान कैसा परफॉर्म करते हैं। आगा सलमान की जगह जो है वो सऊद शकील को बिलाखिर टीम का हिस्सा बना लिया गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो बहुत ही तशवीश पाई जा रही है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में। लोग ये भी बात कर रहे हैं 5 चेंजेस हो गई हैं टीम में, उसके बाद भी लोग कह रहे हो कि शादाब क्यों खेल रहे हैं, शादाब की जगह उसामा मीर अगर जो हो तो वो ज़्यादा बेहतर जो है ना वो होगा। तो ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो ज़बरदस्त इस वक्त माहौल होगा वहाँ पे। पाकिस्तान किस तरह तैयारी कर रहा होगा कि वो मैच जो हमें फाइनल में पहुँचाएगा उससे पहले 5 चेंजेस पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को करनी पड़ रही हैं। और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि हमारे फास्ट बॉलर्स जिन पर हम बैंग कर रहे हैं वो एक रूल्ड आउट हो गया है, एक कल का मैच नहीं खेल रहा, और हम पूरी कौम मिल के दुआ करेगी कि ये दोनों हमारे बॉलर्स फिट हों। लेकिन रीसेंट पास्ट में दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो लोगों ने बहुत तरीके से अपने मेन प्लेयर्स को इस्तेमाल किया। हमारे ये तीनों मेन फास्ट बॉलर्स जो है वो रीसेंट पास्ट में खासी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, लीग्स खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट भी अगर वो चाहे बॉलिंग स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे हो वहाँ पर भी खेले। मकसद एक कोई एक वर्कलोड मैनेजमेंट और उसके साथ साथ एक थिंक टैंक का प्लान कि हमारे किस खिलाड़ी की किस जगह पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो हमें इस तरीके से दिखाई नहीं दिया। अल्लाह ना करे, मैं फिर कह रहा हूँ इंशाअल्लाह हमारी टीम कल कमबैक भी करेगी, हम अपनी टीम को बैक भी करेंगे, हम अपनी टीम को हमेशा बैक करते हैं। लेकिन जिस तरह हम इंडिया के खिलाफ आ रहे थे उसके बाद किसी के पास भी ऑप्शन नहीं रह जाता कि वो क्या बात करेगा। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स अब जिस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रमीज राजा साहब का स्टेटमेंट है कि लकीर के फ़कीर ना बनना चाहिए अब बाबर आजम को, और फ़खर जमान बहुत हो गया। इफ्तिखार अहमद के बारे में उनकी राय यह है कि इफ्तिखार अहमद अब रिटायरमेंट के करीब है तो अब हमें आगे सोचना होगा। लेकिन रवीज अजय साहब आज आप बाबर को कह रहे हैं कि लकीर के फ़कीर ना बने, लेकिन बाबर को जितनी अथॉरिटी आपके दौर में दी गई थी, आप जितने भी ऐवान था कजाफी स्टेडियम लाहौर का, आप बहुत कम लोगों पे भरोसा करते थे, आपने चंद लोगों पे भरोसा किया, उनमें बाबर आजम पे भी बहुत किया, और वो टीम हमारी पिछले 3 महीने में अच्छा भी परफॉर्म की, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप ये जो इंजरीज हो रही हैं, ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट और प्लान होना चाहिए वो उस तरीके से दिखाई नहीं दिया। शाहिद खान आफरीदी ने भी बहुत अफसोस का इजहार किया कि हर जीत खेल का ऐसा ही, कौन सी अंदाज से हम जो है वो ये मैच हारें। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ब्रैड बर्न का रहा। उन्होंने कहा कि तोहफा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, एक तोहफा मिला है, हमें वेकअप कॉल मिल गई है, हमारी बड़ी तैयारी, ये तोहफा कैसा है? और उन्होंने कहा कि एक मुश्किल टीम के खिलाफ मुश्किल कंडीशन में हमें खुद को निबर्द आजमा होने का मौका मिला। 357 रन बनने के बाद भी हेड कोच साहब, अगर ये मुश्किल कंडीशन बैटर्स के लिए है या अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो उनके स्पिनर आते हैं वो 5 आउट करके चले जाते हैं, क्या इस बॉलर्स के लिए हमारे तो कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए थे, तो तोहफा कैसा है ये तोहफा वाकई में समझ में नहीं आया, ये तोहफा कैसा है? फिर मिकी आर्थर फिर चले गए, वो अब डर्बीशायर के वहाँ पर होंगे। तो एक वक्त में कि पाकिस्तान टीम जब मुश्किल से दो चार है, हमारा
डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वो भी अवेलेबल नहीं है। वो चार मैचों के लिए आए थे, दो मैच अफगानिस्तान के खिलाफ, दो मैच उन्होंने जो है वो एशिया कप के करने थे, उसके बाद फिर उन्होंने वापस चला जाना था। तो इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल में हमारी क्रिकेट टीम अगर सच्चाई से देखें तो। ये ज़कर शाह साहब ने जाके टीम को मोटिवेट किया और हम फिर कह रहे हैं कि हम विश करेंगे अपनी टीम को वर्ल्ड कप सर पर आ गया कि हमारी टीम कल इन नए खिलाड़ियों के साथ भी ये बताएगी कि ये कितनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। चार पाँच खिलाड़ी होने के बाद भी जो है यहाँ बैकअप मौजूद है और वो मुल्क को और टीम को संभालने की सलाहियत रखता है। मैं बात करूंगा इन तमाम इश्यूज पे, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, दो साइड मैचेस भी खेले, कई बड़े नाम जो है अपनी कोल्ड्स की टीम में शामिल किए, क्रिकेट एनालिस्ट अनवारुल हक भाई। थैंक यू वेरी मच अनवर भाई। आप हमारे पैनलिस्ट के दूसरे रुकन जो आप रोज हमारे साथ होते हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, एक बड़े डिपार्टमेंट के कैप्टन रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी, शुएब हबीब साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ओवर 40s क्रिकेट ग्लोबल कप 2023 तारीख से इसी मंथ में शुरू होने जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, ये सारी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। शाहिद खान अफरीदी, मिसबाउल हक, अब्दुल रजाक, हसन रजा, मोहम्मद शमी, कई सारे 40 साल से ज़ायद उम्र हमारे जो स्टार्स हैं वो अपनी नेशनल टीम की जानिब से एक्शन में दिखाई देंगे। मैचेस टेलीवाइज भी होंगे नेशनल स्टेडियम कराची से, जबकि दीगर टीमें तीन मुख्तलिफ मकामात पे खेल रही होंगी। उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अगर जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन, उनके सेक्रेटरी हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने वाहिद वर्ल्ड टाइटल जीता है इस वेटरन्स की सतह पर, ओवर 60s वर्ल्ड कप ब्रिस्बेन में जाके पाकिस्तान ने जीता था, उस टीम के मैनेजर के फराइज भी अंजाम दे चुके हैं, खुद भी क्रिकेट खेली है। आमिर सरफराज भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर पहले तो आएंगे जी, एशिया कप पे बात होगी आज तो सबसे ज्यादा हमारी जो है ना, लेकिन पहले एक कॉलर आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नसीम भाई फिर जुनेदी बात कर रहा हूँ आज भी, जो आपको बता रहा था। अरे जुनेद भाई, जुनेद भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अब जुनेद खान जैसा बॉलर भी नहीं रहा है अब तो, यहाँ तो बॉलर कम हो रहे हैं जी। जुनेद भाई बताइए। सर मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल था, सिर्फ ये चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे हमने एक पाकिस्तान से खिलाड़ी भेजा है जवान खान, ठीक है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अगर अपनी टीम अलाइन करते हैं और अगर टीम के जवान में अगर हम दो खिलाड़ी या तीन खिलाड़ी स्पेड में भेज दें, चाहे उनको कह के हम भेजें कि भाई आपको जो है हम मैच की फीस नहीं देंगे उस वक्त तक जब तक आपको खिलाएंगे नहीं, ताकि उनको कम से कम उस कंडीशन का तो अंदाजा हो जाए। अब ये जमान खान गए हैं, उनको कंडीशन का अंदाजा नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर जमान खान अगर पूरी परफॉर्मेंस दे तो क्या हम सारा बल्बा क्या जमान खान पे डाल देंगे? नहीं नहीं बिल्कुल ये बात है, जमान खान को भी परफॉर्म देखे देखे। एक जुनेद भाई एक बात तो है कि अगर मौका दे रहा है आपको अल्लाह मियाँ तो आप भी परफॉर्म करके दिखाएं कि जमान खान को, जमान खान अब ये तो बात की बात है ना, अभी हमें अच्छी होप्स भी रखनी चाहिए अपनी टीम से। आप अगर नहीं करेंगे परफॉर्म तो हम बात करेंगे, जमान को तो इस वक्त बैक करना चाहिए। लेकिन आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन रेज किया कि परफॉर्मेंस के पैसे होने चाहिए, कि आप परफॉर्म क्या कर रहे हैं उसके ज़्यादा पैसे होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच जुनेद भाई, ए वेरी गुड क्वेश्चन। इस पे मैं आता हूँ, अभी बात करता हूँ, आपका सवाल बिल्कुल नोट हो गया। शुएब भाई ये जो कल किस माइंडसेट के साथ हम मैदान में उतरेंगे, पांच चेंजेस, छठी शादाब की जगह उसामा को क्यों नहीं खिलाया, ये भी लोग बात कर रहे हैं, उनकी भी कौन सी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। फिर हम अपनी सिलेक्शन को अगर देख लेते हैं, आप जहां कल हमने मैच देखा कि 213 रन्स बने और वो डिफेंड करने में कामयाब हो गए इंडियंस, वहां हम हारिस को खिला रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को नहीं खिला रहे, ये कैसा माइंडसेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे हिसाब से ये एक पैनिक बटन दबा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ये जो हमारा कोचिंग स्टाफ है या हमारा जो भी कोचिज हैं, ये अपनी गलतियों को पांच चेंज करके छुपा रहे हैं। मैं इस तरीके से लेके जाऊंगा, फ़कर जमा जब यहाँ से गया है, तीन सेंचुरियाँ करके गया है, आठ मैच हो गए, आपने उसके ऊपर क्या काम करा?
सलमान आ गया, सलमान आ गया इतना अच्छा फॉर्म में था, वो एकदम उससे रन्स नहीं हुए, आपने उस पर क्या काम करा? फिर आपने ये जो अभी लॉस अगेंस्ट इंडिया मैच खेला आपने, वो सबसे बड़ी मिस्टेक करी थी आपने, इसको क्या नाम है, फहीम अशरफ को, चार पेसर को किस बेस पे खिलाया? अच्छा फिर आप लोगों को इतनी जल्दी क्या है जो एक एक दिन पहले टीम अनाउंस कर रहे हैं? पिच रीडिंग आप नहीं कर पा रहे, आप अपनी गलतियों को ये करके कि इसको ड्रॉप कर दो, उसको ड्रॉप कर दो, ऐसा नहीं होता। मेरे अपने हिसाब से ये जो चेंजिंग थी, मैं और मेरा पूरा जो पैनल है उसमें आप भी, हम लोग तो शुरू से फकर वगैरह के लिए कह रहे थे, हम शुरू से इसके सलमान आगा के लिए कह रहे थे, और आपने उठा के एकदम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये पैनिक बटन दबा दिया, तो ऐसा नहीं होता। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर चेंज होनी थी तो इसमें दो चेंज होनी थी, तीन चेंज हो जाती, आपका वो आ जाता, क्या नाम है, नवाज आ जाता, आपका सऊद शकील आ जाता, और आपका वो जो जैनवन आपने ओपन भेजा वो आ जाएगा। अब आपने मतलब हारिस को खिलाया क्या? आपने एक तरीके से ये शो कर दिया कि हम चेंज कर रहे हैं। हारिस की कौन सी इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस है, स्पेशली इन ओडीआई, स्पेशली इन ओडीआई उसकी कौन सी आउट क्लास? अब अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये सब टोटल पैनिक बटन है। और मैं अभी थोड़ा सा ये मेरे दूसरे पार्टनर भी बोल रहे हैं, मैं अभी कुछ और भी बोलूंगा। बिल्कुल ठीक है, वो हल्का हाथ रखे है ना, हल्का नहीं। अच्छा ओके ओके, नहीं नहीं मैं आता होता, मैं अरे आ रहा हूँ, अरे मैं आ गया, आ रहा हूँ जी। अनवर भाई मैं एक बात आपसे ही कह रहा था कि ये जो पैनिक बटन अभी शुएब भाई ने इसको करार दिया है, लेकिन पैनिक बटन में आपको कम से कम ये शऊर तो हो कि 213 रन कल बने, 41 रन से मैच हार गए, और उसके बावजूद आप जो है वो हारिस को ट्राई कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक के होते हुए, कि कॉम्पैक्ट बैट्समैन है, मकसद है, माइंडसेट क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शुएब ने बड़ी डिटेल में बात की है और ये बात बिल्कुल सही है कि ऑल ऑफ ए सडन आपने एकदम जो पांच चेंजेस किए हैं। देखें एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला आ गया ना इंजरीज़ का, देखें इंजरीज़ के अंदर तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चेंज करना था। देखें जहाँ तक अपने हारिस रऊफ का ताल्लुक है, ठीक है वो वाइट बॉल के अंदर स्पेशली T20 के अंदर ही इज़ डूइंग गुड जॉब, बट एज़ फार एज़ वनडे के अंदर देखें आपको 10 ओवर करने पड़ते हैं, T20 में आपको 2 स्पेल करने पड़ते हैं 2-2 ओवर के, वो उसमें क्या होता है कि इंसान को रेस्ट भी मिल जाता है और वो उसको 4 ओवर को आराम से कर लेते हैं। आपका हमारा ये है कि पहले आप ये देखें कि वनडे क्रिकेट उसने खेली कितनी है। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में जमान खान ने इंग्लैंड में खासी क्रिकेट खेली है, जहाँ पर शाहिनशाह आफरीदी भी खेल रहे थे, जहाँ पर और लोग खेल रहे थे वहाँ पर जमान खान भी खेल रहे थे। देखिए जमान खान को आपने अब लिया है ना, तो बात ही होती है कि आप अगर इससे पहले अगर जैसे उसके कोई इंजरी का, मैं कहता हूँ उसको खिलाएं, क्योंकि देखें वो डेथ ओवर में हमने भी T20 में अभी आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, अभी है तो नहीं ना। हम एक बात कह रहे हैं कि जमान खान है, जमान तो परफॉर्म करेगा, आप जाहिर है आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके नसीम शाह नहीं है, आपके हारिस रऊफ नहीं है। हमने जो मेन चीज जहाँ पे हमें वो जो एक वर्कलोड मैनेजमेंट होती है, वो जो एक थिंक टैंक की अपनी सोच होती है, मुझे कहाँ किसको यूटिलाइज करना है ताकि उसका नुकसान भी ना हो फाइनेंशियली, इसमें बिल्कुल हम फेलियर हैं। ये इसमें मैं जो भी मैनेजमेंट के जो भी पार्ट एंड पार्सल हैं उनको इस बात को समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए। अनवर भाई, अनवर भाई एक भाई कॉलर आ गए हैं, जरा हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। जी सलाम अलैकुम, मोहम्मद रमजान भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहम्मद रमजान भाई, आप कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र। नसीम भाई खैर से आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमजान भाई क्या हो रहा है ये अभी जो है वो आप देखें कि कैसा मामला चल रहा है। नसीम भाई आप नहीं लगता कि ये मजाक हो रहा है सब? मैं खुद हैरान हूँ इस बात पे, जब ही मैंने आज सवाल ही नहीं किया, मैंने कहा आप बताएं ये हो क्या रहा है। सर आपको नहीं लगता कि एहसान उल्लाह की जगह होनी चाहिए एशिया कप में? एहसान उल्लाह की वो रिस्ट की अभी एल्बो इंजरी चल रही है, टेनिस एल्बो इंजरी, जिसकी वजह से वो मुकम्मल फिट नहीं है। सर जमान खान को पहले नहीं होना चाहिए था? ये बात सही है, ये आपकी ठीक है कि हमें जमान खान को पहले चेक कर लेना चाहिए था। डेथ ओवर्स में उन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग की थी होना चाहिए था जमान को। जी तो भी होना चाहिए था टीम का हिस्सा। नहीं नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए था। और किसको? कोई परफॉर्मेंस नहीं है, हमारे साथ मजाक हो रहा है। नहीं नहीं ये वाकई में मजाक की तरह है। वैसे अभी एक मैच हटा दें तो रमजान भाई थोड़ा अपनी टीम को थोड़ा सा रिलीफ दें, हमने वर्ल्ड कप भी खेलना है, हमें इन्हीं लोगों का कॉन्फिडेंस भी उठाना है। पिछला मैच वाकई हमारा मजाक हो गया,
उससे पहले अगर हम जाएंगे तो हमारी टीम ने कामयाबियां भी हासिल की हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो इंजरीज लिस्ट है, ये जो गलतियां हैं, जो कोताहियां हैं कि जिसकी वजह से जो है वो आज हम इतनी डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये मजाक है कि नसीम शाह एशिया कप से बाहर हो गए, इंजरी हो सकती है, लेकिन प्लानिंग के बाद लोगों अपनी प्लानिंग को ज़रूर डिस्कस करते हैं कि इंडिया ने जो है वो 1.5 महीने पहले जाके सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और उनके उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को आराम दिया था। हमारे यहाँ हमारा कोई खिलाड़ी कोई एक मैच नहीं छोड़ता है, कोई एक मैच नहीं छोड़ना चाहता, इतनी इनसिक्योरिटी बहुत सारे सेट प्लेयर्स में भी होती है या पैसा मिल रहा होता है, ये भी एक बात है, लेकिन ये कि उनकी हेल्थ का ख्याल रखना इस वक्त जब क्रिकेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए कि जो वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जो अनवार भाई के दौर में क्रिकेट होती थी कि जी एक सीरीज़ हो रही है तो 4 महीने का गैप है टेस्ट सीरीज़ का, वो क्रिकेट नहीं है, इसको बहुत माइंडसेट को लेने की ज़रूरत है। क्या ख्याल है आपका, मैं जो बात कर रहा हूँ आमिर भाई, एक बात मैं बोल रहा हूँ, हेल्थ नहीं, अब ये जब टीम के साथ हैं तो इनकी फिटनेस का ख्याल स्टाफ को रखना, मैं कह रहा हूं फिटनेस का ख्याल तो रखना, मेरा कहने का मकसद है इवेंट्स इतने बढ़ गए हैं, खिलाड़ी कहते हैं हमारा रोज़गार है आप हमें जाने ही नहीं दे रहे, लेकिन उनका एक एक पूरा डिपार्टमेंट हो के जो बताए कि शाहिनशाह अफरीदी वर्ल्ड कप से पहले इंपॉर्टेंट है, नसीम शाह फास्ट बॉलर है, आप बैट्समैन चला जाता है समझ में आता है, एक प्लानिंग तो नजर आए। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि मेट्रो चैनल तो मेरे लिए नया नहीं है लेकिन आज पहली दफा नहीं, नहीं, जी, मोस्ट वेलकम जो है वो एक तारुफ हुआ और प्रोग्राम में आपने मुझे आने का मौका दिया। जी आमिर भाई देखें, सबसे बड़ा मसला यह है कि आपने आज बड़ा खूबसूरत इंट्रो एक पेश किया और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें जो थी वो कवर कर ली और उसके बाद बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में डिस्कस करने को बचा नहीं, लेकिन जो आपने बात की ना उस इंट्रो के अंदर सबसे अहम वो है आपका लोड मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम जिसे कहना चाहिए जी। अगर आप अपने फास्ट बॉलर्स को ख़ास तौर पर आराम दे के ऑन अ रोटेशनल पॉलिसी आप उनकी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपको इसी तरह की इंजरीज का शिकार होने के खदशात हमेशा रहेंगे जी। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की जिसके अंदर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात की, आपने एक बहुत खूबसूरत बात की आज इंट्रो के अंदर कि एक विकेट के ऊपर आपकी इतनी अच्छी बॉलिंग लाइन जिसको कहते हैं कि जी दुनिया की सबसे तेज तरीन बॉलर्स हैं सबसे अच्छी बॉलिंग लाइन है उनके खिलाफ 357 रन्स कर दिए और 357 रन्स करने के बाद जब आप बैटिंग करने आए तो ऐसा लगा कि ये तो बॉलर फ्रेंडली विकेट थी और आपके जो बैट्समैन थे वो बुरी तरह से एक्सपोज हुए और मुझे तो जो बुमराह की बॉलिंग थी और जो दीगर फास्ट बॉलर जो उनकी गेंद कर रहे थे अनवर अली का अंडर 19 का जो स्पेल था वो याद आ गया गो कि उसमें उन्होंने 6 आउट किए थे यहाँ इन्होंने एक एक दो दो आउट किए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम को वो मेरे नज़दीक ये है कि आप जब एक कंडीशन से निकल के दूसरी कंडीशन में जाते हैं एक फॉर्मेट से निकल के दूसरे फॉर्मेट में जाते हैं तो एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर वो कंडीशंस और वो जो मीडियम है उसको आप एडॉप्ट करें और अपनी जो भी आपकी सलाहियतें हैं वो उसके अंदर अप्लाई करें। अगर आप एक ही माइंडसेट के साथ T20 की क्रिकेट को टेस्ट में खेलें वनडे में खेलें आपको रिजल्ट यही मिलेंगे यही बात है। और इस तरह से अगर आप गौर करें तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त हमारी जो मैनेजमेंट है और एक और बहुत खूबसूरत बात की कि जो इस वक्त हमारे मौजूद साथी ने शुएब हबीब साहब ने कि ये जो हमारे जो प्लेयर्स हैं सॉरी जो मैनेजमेंट है वो पैनिक बटन उनके यहाँ दब गया, ये कौन सी क्रिकेट है कि आप अगर एक शिकस्त आपको हो गई ठीक है बड़ी शिकस्त है नहीं ये वाकई में ये पैनिक बटन और आपने ये अच्छा हुआ शुएब भाई का नाम ले लिया क्योंकि अब जरा हम खुद डरते हैं हम भी ये कहते रहते शुएब भाई ने जो कहा। यहाँ पे कॉलर आ गए जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? इरशाद भाई बात कर रहे हैं। इरशाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है इरशाद भाई? नसीब भाई ठीक है खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इरशाद भाई क्या कहेंगे, क्या इरशाद फरमाएंगे आप? सर इरशाद का फरमाना है पाकिस्तान की टीम को कौन सी जल्दी है कि मैं 4 दिन पहले टीम अनाउंस कर देते हैं, इनको कहाँ जाना है किस जगह पर जाना है लोगों को तो ये इन्होंने जाना किस जगह पर है कि फटाफट एक दो दिन में मैं जो अपना पिच देखते नहीं है कंडीशन देखते नहीं है टीम अनाउंस कर देते हैं लोग। हाँ वो वाकई में कल वैसे इन्होंने आज कंडीशन तो देखी होगी, ये लोग वहीं कोलंबो में मौजूद हैं कि कल पिच कैसा खेलेगी ये, लेकिन आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना इरशाद भाई, आप ये तो देखें नसीम भाई वो जो लड़के लेके गए हैं उनको करें दावत पे लेके गए विलीमी पे लेके गए लोगों को। हाँ वो सऊद शकील वाकई में मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो
मुझे लग रहा है उनकी शादी में शहबाला बना हुआ है, वो एक छोटा सा बच्चा जैसे लेके आप चले गए। मकसद वो उतना परफॉर्म करके आ रहा है वो श्रीलंका जी। अभी देखे हालत उनके फटाफट, मुझे समझ नहीं लगती इसकी बाबर आजम की कि हमारे ये फकर, हमारे जो ये तो नसीम शाह, शाहीन शाह और हमारे रऊफ, अभी कीने के साइड भी टीम हो तो फिर ये तीनों खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साइड पे टीम हो तो ये तीनों खेलेंगे। अभी मुझे समझ नहीं लगती उनको रेस्ट क्यों नहीं देते। वेरी गुड पॉइंट इरशादी, यही हम बात कह रहे हैं कि भाई कोई मैच हमारा खिलाड़ी भी छोड़ने को तैयार नहीं होता है, ये भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि, लेकिन एक वर्कलोड मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, इनकी मैच प्रैक्टिस भी उतनी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन आपने सही कहा इरशाद भाई कि वर्कलोड मैनेजमेंट का शायद एक डिपार्टमेंट अप हो जाना चाहिए। दुनिया में अब जितनी लीग शुरू हो गई हैं और जो शुरू होने जा रही हैं उसके बाद खिलाड़ियों को टाइम नहीं मिलना है, तो हमारा कौन सा प्लेयर कहाँ इंपॉर्टेंट होगा इसको पूरा एक थिंक टैंक बैठ के सोचे, ना कि कजाफी स्टेडियम लाहौर के ठंडे कमरों में बैठ के फैसले किए जाए। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। और जितने हमारे काबिल एहतराम कॉलर्स आ रहे हैं, ये एक दिल है, एक दर्द है अंदर पाकिस्तान क्रिकेट का, बचा क्या है यहाँ पे अगर आप अगर सच्चाई से देखें, एक क्रिकेट खेल रह गया है कि जो सबको एक जगह पे जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सब बैठ के लगा रहे होते हैं, बड़ी स्क्रीन पे जमा होते हैं और सबका एक ही मोटिव होता है जीत जाए हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी तरीके से। लेकिन जिस तरीके की खबरें हमारी टीम के हवाले से आ रही हैं वो बहुत तश्वीशनाक दिखाई दे रही है कि हम सेमीफाइनल खेल रहे हों, लाइक सेमीफाइनल है कल का मैच और उसमें हम 5 चेंजेस के साथ मैदान में जा रहे हों, और टोटल टीम के जितने खिलाड़ी होते हैं समझ लें कि 11 के बाद जितने बचते हैं हमने वो सब खिला दिए हों, उसके लिए हमें बाहर से कमक मंगानी पड़ रही हो। ये जिस तरह की हमारी सूरत हाल है उसके बाद ये अपनी टीम का शायद मोरल उठाने की कोशिश की है ब्रैड बर्न ने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ने, कि उन्होंने ये बयान किया ये एक हमारे लिए ये शिकस्त एक तोहफा है और बेहतरीन टीम के खिलाफ मुश्किल कंडीशन में हमें निबर्द आजमा होने का मौका मिला। और दूसरी जानब जो है वो पता चलता है कि आपके जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है मिकी आर्थर चले जाते हैं, तो ये कौन सी मोटिवेशन है? मुश्किल कंडीशन क्या थी? 357 बन गए, 26 ओवर में हमसे एक भी आउट नहीं हुआ, जब वो बॉलिंग करने के लिए आए तो ऐसा लग रहा है कि बराबर वाली पिच पे मैच करा दिया, उस पिच पे तो हो ही नहीं रहा जिस पे हम बॉलिंग कर रहे थे। देखें जी, ये अगर हमारे कोचिज साहब ये कह रहे हैं ये उनके लिए तोहफा है तो हमारे लिए यानी पाकिस्तान, तो ये तोहफा उन्हीं के लिए होगा, वो अपने घर ले जाएं और अपने शोकेस में या शोरूम में इसको सजा के रखिएगा। ये पाकिस्तानी के लिए कोई तोहफा नहीं है। अभी ये जो आपके कॉलर आए थे उन्होंने इतनी अच्छी बात करी कि यार आपको इतनी जल्दी क्या टीम अनाउंस करने की, आपने अभी पिच नहीं देखी, हमने लास्ट मैच में क्या मिस्टेक करी थी, हमने पिच वगैरह देखी नहीं थी, हमने चार पेसर अनाउंस कर दिए थे, हमने वो मिस्टेक करी है, वो मिस्टेक अपनी। अच्छा अब सबसे पहले एक मिनट, ये लोग क्या कोलंबो के साहिल पे घूमने गए? मुझे ये बताएं, नहीं नसीम अभी मैं मैनेजमेंट ग्राउंड जाती होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट देखती होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, पूरे आवाम देखेगी, फिर आवाम की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में इंडिया से टकराए और इंडिया को हराए। तो ये थोड़ी कि वो कह रहे हैं जी हमें पहले से तोहफा मिल गया और ये हो गया, इन्होंने वो एक मिस्टेक करने के बाद आपने पूरी टीम को हिला के रख दिया, और ये तो कॉमन है। कल आपने इंडिया का और उसका श्रीलंका का मैच देखा, उन्होंने वही पिच बनानी है, उस पिच पे दो ही पेसर सही है, आपने उसको ले लिया, बल्कि अगर एक एक्स्ट्रा ऐड करना था क्योंकि शादाब आपका इन्फॉर्म नहीं है तो आप उसामा मीर को खिला लेते, ये कोई इतनी पैनिक नहीं थी, कुछ नहीं थी, ये जबरदस्ती का इन्होंने प्रेशर डाला। और ये अगर खुदा ना खासा ये कल मैच हारते हैं तो आप वर्ल्ड कप में फिर बहुत प्रेशर से जाएंगे। ये मिकी आर्थर या ये आर्थर भाई, मैं ये कहता हूँ कि भाई जिस तरीके से दूसरे इदारों का हो रहा है पीसीबी की तरफ भी जाए, जिसकी उठा के देखो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, ठंडे कमरों में बैठ के, ठंडे कमरों में बैठ के, इवन के अभी आप मीडिया डिपार्टमेंट को खास तौर पर एक मिनट अभी ये इंजमाम साहब से भी तो पूछो कि ये जो आपने अभी ये सिलेक्शन कमेटी में के चेयरमैन बने हैं, आपको मिल क्या रहा? आपकी ये चॉइस है कि आप फहीम अशरफ जैसे लड़के को आपने सिलेक्ट करा और 18 लाख रुपए मेरे? हाँ, मैं एक छोटी घटिया सी बात कर दूंगा जो करनी नहीं चाहिए, वो भाई ये पान वाला
ठेले वाला भी ये टीम बना देगा और आप उसके 18 लाख रुपए ले रहे हो और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एकदम पैनिक बटन दबा देते हैं, दिस इज रॉन्ग। ये बहुत बड़ी बात की है। देखिए बात यह है कि शोएब ने जो आपने भी और जो हमारे साथी हैं उन्होंने जो बात किया, देखें बात यह है कि पाकिस्तान पहले तो ये देखें कि ये किस जगह पे खड़ा था और किस एक मैच ने हमको हमारे मोराल को कहाँ पे कर दिया है। तो ये जो मिस्टेक हुई है, सबसे पहले तो एक हम टॉस जीत के उनको बैटिंग कराई है, मैं ये समझता हूँ दैट वॉज ब्लंडर इन माई ओपिनियन। बात है कि आप खुद बैटिंग करो ना, शोएब भाई तो कह रहे थे पहले बॉलिंग करनी चाहिए। देखें वो उनका अपना परसेप्शन है, मेरा अपना ये है कि पहले आप बैटिंग करते हैं। सॉरी आपसे नहीं, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था बॉलिंग करनी मैंने ये बोला था जिस तरीके से इन्होंने चार पेसर अनाउंस करेंगे पहले बॉलिंग करेंगे। अच्छा, इनकी ये लॉजिक थी वो थी, मगर मेरे अपने हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। देखिए हमारे एक हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि हम सेकंड बैटिंग के अंदर हमेशा स्ट्रगल करते रहे। बात ये कि इस जो पिच का जो बिहेवियर था ना वो हमें सूट कर रहा था। हम अगर पहले खेलते तो हम भी शायद इतने ही रन करते, और ना क्योंकि ये मैच हुआ दो दिन और दोनों दिन बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट थी। जब हमने बैटिंग की है तो पिच का बिहेवियर कुछ और था, फिर क्लाउडी वेदर, बारिश, सारा पानी, फिर उसके बाद वो नई जो उन लोगों को जो विकेट मिली, जो पिच मिली, वो बॉलिंग को बहुत साजगार थी। मगर जिस तरह का डिस्प्ले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया है तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग था और वो हमारे लिए ऐसा लग रहा था कि ये बातें करना, उनको पिच ऐसी मिली हमें नहीं, ये फर्क था नसीम, ये इतना बहुत बड़ा फर्क नहीं था। देखिए मैं आपकी क्रिकेटर बात मान लेता हूँ, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैच में होता है पिच का दखल, सर कितनी जगह पे फेवर की होगी। मुझे आप सिर्फ एक बात बता दें, आपने जो मैच का स्टार्ट किया था उस वक्त तो आपके लिए आइडियल कंडीशन थी, नसीम शाह की गेंद आपने हिलती हुई देखी बिल्कुल, थी बिल्कुल, वो उन्होंने ज्यादातर गेंदें आउटस्विंग की हैं, वैसे जहां उन्होंने थोड़ी सी अंदर लाए वो स्लिप लगी है और आप कंपेयर कर लें इंडिया की बॉलिंग से, उन्होंने खिलाई ये फर्क आ गया ना। अब मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मेरी ना सर बात ये हो रही है, नहीं आई एग्री, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कंडीशन को कह रहे ना कि कंडीशन पाकिस्तान को खराब मिली। अब ये मुख्तलिफ मिली सर, मुख्तलिफ से मुराद ये कि अब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और कैसी भी कंडीशन आ सकती है, इतने अरसे से आप बारिश में एंजॉय कर रहे हैं आमिर भाई और कर क्या रहे हैं। एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, देखिए पाकिस्तान को इतना डिमोरलाइज करने की जरूरत नहीं है, हमको भी और प्लेयरों को भी। हाँ एक बात ये जरूर है जो शोएब भी कह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ, आपने भी कहा है, देखिए टीम के अंदर हमारी चेंजेस जरूरी है। अब बात ये कि आप एक प्लेयर को बार बार आजमाना, देखिए फेयर एनफ चांस दिया दो तीन चार मैच के लिए, सर वो तो हटाए ना सर। अच्छा ये फहीम मशरफ को खेलना चाहिए था या नहीं? हाँ तो फिर पहले क्यों खिलाया? नहीं वो पहले अगर खिलाया था तो पहले मैच में उसने अच्छा भी परफॉर्म करके दिया। कौन से मैच में अच्छा परफॉर्म करा? जो बांग्लादेश वाला, बांग्लादेश में क्या करा उसने? उसने रन्स कम दिए थे। अच्छा हाँ हाँ, मैं आपको निकाल के बॉलिंग कंडीशन क्या नहीं थी। बात से मुत्तफिक हूँ, जगह नहीं बनती, मैं आपकी बात से, उस दिन बॉल की होगी लेकिन मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास अभी एक हमारा जो बहुत बड़ा मेगा इवेंट वर्ल्ड कप है, ठीक है ना, अभी आपको ये देखना है कि हमें अपने जो प्लेयर्स की जो कंडीशन है, वर्क लोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अभी आप ये देखें टीम के साथ हमारे कितने लोग, मतलब प्लेयर्स के अलावा कितने लोग वहाँ पे अकोमोडेट हुए हुए हैं। तो बात ये कि यार कोई ये क्या सारी दुनिया के प्रोफेशनल सर, सर बस जॉय ट्रिप है, बहुत अच्छा ट्रिप तो है, तो आप भी जाके एंजॉय करें ना, आप भी तो पाकिस्तान का है, करोड़ों रुपए की पेमेंट हो रही है सर। मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैं यहाँ वो जर्नलिस्ट खड़ा हूँ कि जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ना, ये आज भी पता नहीं मेरे को 25 कोई सुना है जर्नलिस्ट गए हुए वहाँ पे, लेकिन मैंने अपने करियर में, अब मैं ये बात अच्छी लगती है लेकिन मैं नहीं जाता, ये मेरे सारे दोस्त जानते हैं। आमिर भाई अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ये जो अब सूरत हाल हो गई है पाकिस्तान की 5 चेंजेस के बाद, आप हम किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरेंगे, और आपके कोच का जो स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि एक तोहफा मिला है, ये क्या रिलैक्स करने का अंदाज ठीक है? देखें कम से कम ये स्टेटमेंट देने से पहले उनको जो क्लाइमेट वहाँ का सब चल रहा है, वेदर जो है उसकी फोरकास्ट के ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर आप स्टैट्स उसको फोरकास्ट को उठा के देखें तो 93% कल चांसेस हैं कि बारिश होगी। अब वो पासिंग शावर होगा या कितना उसको वो डिस्टर्ब करेगी वो वक्त बताएगा। अगर पाकिस्तान कल मैच मुकम्मल नहीं कर पाता, आपका अगर नेट रन रेट उठा के देखें तो इस वक्त श्रीलंका का नेट रन रेट हमसे अच्छा है, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान सफर करेगा, उनको वापसी का सफर करना पड़ेगा, इंग्लिश उर्दू दोनों सफर हो जाएंगे और वो
वो जो है श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये बीइंग ए पाकिस्तानी की दुआ करनी चाहिए कि वहां कल बारिश ना हो, जो 93% चांसेस हैं। अगर उस मरहले से अल्लाह हमें मदद कर देता है और हम अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो फिर कोई ना कोई बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन स्ट्रेटजी की अगर आप बात करते हैं तो देखें, जो टीम बनाने वाले हैं उनके सामने हमारी टीम की वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ, और जो अभी बात हो रही थी कि कंडीशंस को देख के, विकेट को देख के फैसला करें कि किसको कहाँ इस्तेमाल करना है। अगर रमीज राजा ने ये बात कही है कि वो लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हमें इस पर शुक्राने की नफिल अदा करना चाहिए। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगा कि जायज या नाजायज जितना फेवर उन्होंने बाबर आजम को किया शायद किसी और ने नहीं किया। और जब वो डिजर्व नहीं करते थे, बुरी लग जाएगी जब भाई। जब वो डिजर्व नहीं करते थे उनको कप्तान बनाया गया, और जब उनका थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल बेहतर हो रहा था तो पाकिस्तान के रिजल्ट्स जो हैं वो कंडीशंस चेंज होने से डिफरेंट हो गए। तो बहरहाल यही बात, अगर रमीज को कोई बड़ा क्रिकेटर बोलता है ना तो उसकी वैल्यू होती है। रमीज को नहीं, मैं सिंपल नहीं, आपने बोला ना शोएब भाई को बुरा लगता, बुरा लग रहा, तो मैंने उसका जवाब। अच्छा चले, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, देखे आवाम बात करती है, आवाम मैं आवाम की मैं क्या आवाम का एक वजन है। आप किसी एक आम आदमी को नहीं कह सकते किसी को मैं ये, तो फिर वो पीसी के सेकंड, लेकिन एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ सर, एक सेकंड रुक जाए, एक आता हूँ अभी, मुझे जरा थोड़ा सा बता दें। नहीं, हमारे अभी कोच ने क्या बोला, हमें तोहफा मिला है, यही बोला ना। अब तोहफा किसने दिया है, तोहफा देने वाले की नियत क्या है, ये तो पता चले। हाँ चले, मैं इस नियत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस नियत की बात कर रहा हूँ कि किसकी, रमीज राजा साहब आज बात कर रहे हैं कि लकीर के फकीर, फकीर हाँ। अच्छा, तो क्या मकसद है, वो कहते हैं कि फखर से लव अफेयर खत्म कर दें, यानी उन्होंने कहा प्यार करना खत्म करें बस। इफ्तिखार के बारे में उन्होंने कहा कि इफ्तिखार का रिटायरमेंट का करियर शुरू हो चुका, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में चंद खिलाड़ी मिलके पाकिस्तान टीम का इंतखाब करते हैं, आप ये एक आपके पास भी खबर है, हम भी सुनते हैं यहाँ पे। रमीज राजा साहब ने जो बहुत ज़्यादा बाबर को अथॉरिटी दी, देखें ना वो कजाफी स्टेडियम लाहौर में, वैसे चेयरमैन शायद बहुत सारे लोगों पे भरोसा नहीं करते थे, आप पे शायद ज़्यादा करते थे, आप कराची में बैठे, लेकिन उन पे नहीं करते थे, उनकी एक शख्सियत है। लेकिन वो जो बाबर पे बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉन्फिडेंस किया, बहुत अथॉरिटी दे दी, हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी देना भी मसला होता है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आप बात, ये होता है ना सर मसला, और ये थोड़ा सा नजर आ रहा है आपको इस टीम में। अब तो रमीज है ही नहीं ना, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ उन्होंने किया था, अब इस टीम में अब जो प्रेजेंट टीम है इसमें ज्यादातर अथॉरिटी किसकी, जो सबसे ज्यादा इंजॉय कर रहा है वो है मिकी आर्थर, मिकी डर्बीशायर में बैठा, डर्बीशायर में बैठा है। मेरे ख्याल में इस साल मैंने जो सबसे अक्लमंद आदमी देखा है स्पोर्ट्स में वो मिकी आर्थर है। कहते हैं ना दो कश्तियों में पैर नहीं फैलाओ, वो दोनों कश्तियों में पैर फैला के कितने मजे से पाकिस्तान भी आ जाता है, अपनी कॉन्टी को भी, जबकि उसकी कॉन्टी जो है सेकंड इलेवन खेलती है, तो वह पाकिस्तान, मैं बताऊं ना वो कमिटमेंट वाले लोग हैं, उन्होंने उसका लेकिन हमने रखा, लेकिन नहीं, ये शोएब की बात बिल्कुल वैलिड है, मेरी बात सुने सुने सुने, मैं क्या कह रहा हूं आपको, उसने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था मिकी आर्थर ने, तो बता के किया था कि मैं इतने दिन के लिए अवेलेबल हूंगा, मेरी ये जिम्मेदारी होगी, जो उन्होंने बात कही आपकी तरफ आता हूं। अच्छा आ जाए, चले एक मिनट रुक जाए, एक मिनट सर, ये बजा इशारा कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। अच्छा, मिकी आर्थर ने ये बात वाजे की थी कि मैं इतने दिन के लिए होऊंगा, मैं इतने दिन के लिए जो है वो अवेलेबल होऊंगा, हर चीज वो पेपर पर लेकर आए थे और फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था। बिल्कुल, वो इतने कमिटेड आदमी है, उन्होंने कहा था जिस इस टाइम पे मैं हूंगा डर्बीशायर के साथ, तो वो चले गए। आप मैंने फॉल्ट किसका है, ये मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, जितने सुकून से मैंने सुना इतने सुकून से आप भी सुन लीजिएगा, लेकिन मैं आपसे शॉर्ट करूंगा। ये देखें, मैंने तो सबसे पहले क्या बोला कि वो अक्लमंद आदमी है। अच्छा, उसने वो करा, उसने हर चीज, ये फॉल्ट हमारे नजम सेठी साहब का है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में आप लोग इस चीज से एग्री नहीं करेंगे, वो नजम सेठी साहब इसको लेकर ही इसलिए आए थे कि अपनी उनसे करवाएंगे। एक स्टेज आया था, आप लोगों ने सुना भी होगा कि बाबर आजम है और ये पूरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप को तोड़ना है, तो वो इस ग्रुप, इस वजह से वो टीम बनाने के लिए उन्होंने मिकी को नहीं रखा था, उन्होंने इस ग्रुप को तोड़ने के लिए रखा था। तो ये है, अगर अगर आपके ख्याल में ग्रुपिंग होनी चाहिए, फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई तोड़ने की कोशिश करे
तो वो गलत है, आप ये बात कह रहे हैं अगर ग्रुपिंग होनी चाहिए, अगर ग्रुपिंग कोई तोड़ने की कोशिश करे वो गलत है। मैंने आपकी बात से ये समझ, नहीं नहीं ग्रुपिंग कोई चीज नहीं होती। परसों ही अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, वो उनकी ये सोच थी। मैंने तो परसों भी क्या बोला, जब आप लोगों ने बोला कि यार माशाल्लाह टीम जेल नजर आ रही है, ये तो मैंने उस दिन भी क्या बोला, ये तो पहले से ही जेल है। मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी जेल, इतने प्यार मोहब्बत वाले लड़के 228 रन से वैसे हो गए। एक आपको रोटी गैंग का जो जिक्र होता है वो अवाम उन्नास के अंदर वो किस गैंग की तरफ निशानदेही होती है? मेरे ख्याल में प्रोग्राम में आ जाए, वो रोटी गैंग वगैरह सब पे डिस्कस हुआ। अभी चार दिन पहले यही कहा जा रहा था कि टीम ऐसी जेल है, तो अब ये रोटी गैंग और ये सारी चीजें कहां से आ गई? इसमें जो सबसे बड़ा मसला है ना, अगर हादसाती तौर पर किसी को कामयाबी मिल गई, मिसाल के तौर पे नसीम शाह छक्के मार मार के या दो मैच आपको 11वें नंबर पे बैटिंग करके जितवा देता है, तो इसमें बाबर का कमाल कहाँ है? अगर हम बाबर को इस वक्त यानी ये समझ रहे हैं कि जी वो बहुत बड़ा कप्तान है, टॉपिक बाबर तो नहीं है, नहीं तो, बात जेल जेलब तो की बात हो रही है ना, किसी को दूसरे अच्छा, भी अब, बोल लेने नहीं तो टॉपिक इस वक्त आपके कोच का है। एक मिनट रुक तो जाए, जरा सुन तो देखें, कोच की जहां तक बात है ना, अगर हम कोच के ऊपर आगे बात करें, मैं 100% इस बात से कन्विंस्ड हूँ शुएब अभी भाई की, वो इसलिए कन्विंस्ड हूँ कि भाई वाई मिकी आथर, ठीक है मैं मानता हूं कि जो हम जैसे आम से लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन आती हैं कि ये जो गैंग है ये अंदर ही अंदर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो इनकी क्रिकेटिंग अपनी एक्टिविटीज से हट के जो एक्टिविटीज हो रही हैं, मैं उस पर कोई बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन सिर्फ आपको इशारे में कौन सी बता दें, मैं आपको ये इशारतन कहना चाहता हूं कि ये जो आपको फिटनेस के मसाइल नजर आ रहे हैं ना, ये आपको कैसीनो के अंदर अगर दो लोगों की तस्वीर आ गई ऑफिशियल्स की, तो ठीक है वो आ गई, जिसकी तस्वीर नहीं आई वो कौन लोग थे और क्यों ये फिटनेस की तरफ इनकी खराबी की तरफ जाते हैं? जिसकी नहीं आई वो तो सामने नहीं आई, लेकिन मैं एक बात ये है कि हमें उन पे गौर करना चाहिए इन चीजों के ऊपर कि क्यों यहाँ पे कराची के किसी होटल के अंदर आपके एक प्लेयर माइनस प्लेयर के जो है झगड़े हो रहे हैं सिक्योरिटी के साथ, वो किसके साथ जाने से उनको रोका गया था? तो हमें ये चीजें भी तो देखनी चाहिए ना। टॉपिक को दूसरी तरफ ले जाए, उनका पॉइंट बात करनी है। मैं जो आपकी बात जो मिकी आर्थर वाली बात है, तो मिकी आर्थर को किसी ने मसद सवाल ही बताया, हमने ही कॉल की थी ना, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की थी ना, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता था कि ये काउंटी क्रिकेट के साथ भी इनकी एफिलिएशन है और ये वहाँ जाएंगे, तो ये तो ये वीक मैनेजमेंट है ना यार। हमारे यहाँ पे हमें ऑल द टाइम इंडिया के मैच से पहले इस मैनेजमेंट को इतना क्यों नहीं बोला गया? मेरा सवाल ये है, मुझे सिर्फ ये बता दे, मैं एक बात मैं मुझे बात, मैं आप सारे क्रिकेटर से पूछ रहा हूं, एक मैच के बाद ऑल इज वेल दैट्स एंड इज वेल, हाँ बस सिंपल, छाने छक्के मारे जीत गए, सारी खराबियां खत्म हो गई। नहीं ये बताइएगा, ये बताइएगा बात है कि जीत जो है ना वो सारी कोताहियों को अंडर द कारपेट चली जाती है। बात जहां पे निकल रही है, बात हम टॉपिक किसी और जगह पे ले गए, बात ये करें कि आप हमारा पाकिस्तान को करना क्या, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को करना क्या, चले करना क्या, आगे छोड़े करना क्या। मैं देखे ना, बात ये कि अभी आपके पास एकदम अचानक तीन लड़के जो आपके प्रीमियर बॉलर हैं वो इंजर्ड हो गए, अब आपने उन लोगों को बुलाया, अब आपको ये नहीं पता कि उनका फिटनेस लेवल है क्या। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से इनको आपने एकदम टिकट दिए कि चलो भाई तुम कोलंबो पहुँचो, अब आप हमारे साथ ये, इससे बड़ी वीकनेस और क्या हो सकती है? जो हमारे बैक बेंचर बैठे थे, या तो आपने उनके अंदर वही ऐसे बॉलर या ऐसे प्लेयर शामिल करने चाहिए थे कि हमें यहाँ से नहीं बुलाने पड़ते। अब आपके तीन लड़के जो दुनिया के क्रिकेट के अंदर एक बड़ा नाम है, देखें अभी आप वर्ल्ड कप भी खेलने जा रहे हैं, अचानक बीमार हो गए, अचानक उनकी हैमस्ट्रिंग हो गई, एक का कुछ और हो गया, एक का कुछ और हो गया, अभी ये देखें टीम के अंदर जो सऊद शकील को डाला, जैसे मैंने कल आपको कहा था, ये आप पहले भी ट्राई कर सकते थे, आप रिजवान देखें परमानेंट प्लेस है, आप उससे ओपन बैटिंग करा के सऊद शकील को आप मिडिल ऑर्डर में डालें, उसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस कितनी है। और एक और बात जो मैं कहना चाह रहा था, जैसे हमारे राइट आर्म लेग स्पिनर की प्रॉब्लम है यार, यासिर शाह दुनिया के क्रिकेट में सबसे पहले 200 विकेटें लेने वाला बॉलर है। यासिर शाह पता नहीं इस वक्त किस फिटनेस में, बात है कि आपने तवज्जो नहीं दी ना, आप बात सुने वो नहीं दी ना, अब तो इस वक्त की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कल क्या करना है, तो आप कल की बात करते हैं। मेरा एक सवाल ये भी है कि जो मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, और कुछ हम ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप 2023 पर भी बात करेंगे। हमारे मुल्क में क्रिकेट का मेला जिस दिन 17 तारीख को ही ख़त्म होगा, अगले दिन से 18 तारीख से शुरू हो जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो ब्रेक के बाद। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ओवरऑल
पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल मुकाबला करने जा रही है। हमारे पास थोड़ा टाइम है, कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी हम अपने पैनलिस्ट से डिस्कस करेंगे। शुएब भाई, अबरार अहमद को नहीं बुलाया जा सकता था अगर आप धानी को बुला रहे थे, आप जो है वो जमान को बुला रहे थे, तो अगर शादाब की जगह पे आप अबरार को भी चेक कर लेते तो? नसीम देखें, मैं अपने आपके लास्ट दो तीन प्रोग्राम में कह चुका हूँ, फिर मैं तो वर्ल्ड कप नहीं, आपने ये तो बोला, लेकिन क्या जब बुलाया था? मकसद यही है कि उसको बुला लेते ही आप। अनवर भाई, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। जब आपको आपको जो मेन बॉलर जिस पे आप डिपेंड कर रहे हैं, देखिए ना, शादाब की आप वनडे क्रिकेट के अंदर कोई मुझे परफॉर्मेंस दिखा दें, वो T20 के स्पेशलिस्ट हैं, और ये जो है ना आपके पास अबरार है, ये एक ऐसा बॉलर है भाई, आप दुनिया को आजमा रहे हैं, तो एक आपके पास बैकअप में एक ऐसा लड़का है। अनवर भाई, माजी में परफॉर्म किया शादाब ने, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वाला अब नहीं है फॉर्म। नहीं ना, नसीम राजपूत, आप उसके स्टैट्स निकाल के देखिएगा, T20 और वनडे क्रिकेट बड़ा वर्जन का गेम है, 300 लीगल डिलीवरीज होती है, इसमें पेशेंस, इसमें बैट्समैन का। शादाब के साथ एक जेन्युइन स्पिनर जो हम बात करते हैं वो मिस हुआ। नहीं सर, जेन्युइन स्पिनर मैं उनको कभी भी काउंट नहीं करता, जेन्युइन के साथ जेन्युइन टेस्ट मैच भी खिलाए ना, शादाब के साथ जेन्युइन स्पिनर, मेरी बात तो सुन ले, शादाब के साथ जेन्युइन स्पिनर होता तो उन पे लोड भी कम होता, फर्क पड़ता। ये आपकी वैल्यू बात है, आपके पास चॉइस भी हो जाती है, जब आज बुरी कर रहा है तो आप शादाब को खिलाने। आमिर भाई, ये हमने बहुत बात की कि ये जेन्युइन जो है वो जेन्युइन स्पिनर मिस हो रहे। देखें नसीम भाई, मेरी अपनी ज़ाती राय यह है कि शायद हम इस स्टूडियो में बैठ के इस बात के बारे में नहीं कह सकते कि हमें स्पिनर की ज़रूरत है या फास्ट बॉलर की। ये तो जो लोग वहाँ टूर पार्टी का हिस्सा है वो विकेट को एनालाइज करें, तो उसके तो अभी बात नहीं हो रही है, अभी तो हमने अपनी राय देनी है। बैठ के क्या हम लोग मैच देखते हैं? मैच देख कल का नहीं पता ना, नहीं कैसे नहीं राय दे सकते ना आप, राय स्टैट्स बाज दफा उल्टे हो जाते हैं। वो होते हैं जो बगैर देखे होते हैं, जो यहाँ राय हो रही है स्टूडियो में जो बैठ के जो हम मैच में देखते हैं वो देते हैं। लेकिन बात मेरी बात ये, एक ग्राउंड के अंदर अगर 8 विकेटें हैं, हम जिस विकेटों पे माजी में खेले हैं पिछले मैचेस, अगर उसके सर अगर ये आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका तो हम नहीं कह सकते, अल्लाह का शुक्र है अनवर साहब हुए या हम हुए, हम वो मैंने देख के आप जैसी आपका बहुत एक्सपीरियंस है, मैं तो आपको यूं करके सलाम करता हूं, मुझे क्या कह रहे हैं आप, बात तो कर ले रहे हैं, ये स्टूडियो हमसे मुराद एज ए कर्टिशियस वर्ड इस्तेमाल किया, उन्होंने मुझे और उन्हें कहा था, बस आपने आपको कहा था। आपका जितना भी तजुर्बा है सर आंखों पे है, आप मुझे जरा 2 मिनट बोलने की इजाजत दीजिए, आप हमारे काबिल एहतराम साथियों में से हैं, मैं आपकी इज्जत अपनी जगह, आप मुझे ये बात कहने की तो जसारत करने देना कि 8 विकेटें एक ग्राउंड के अंदर बनी हुई है, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 के ऊपर खेले, वो सारी बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी, इस स्टूडियो में बैठ के मैं कैसे ये आपको कह सकूं कि जी वो 8वें नंबर की जो विकेट पे क्रिकेट होने जा रही है वो विकेट भी जिस पिछले 7 विकेटों की तरह बिहेव करेगी। ये उसके लिए, उसके लिए आप नहीं बता सकते, हम इस बेस पे बताते हैं, जिस होम टीम पे साथ मैच हो रहा है, जब वो अपनी टीम अनाउंस करता है फिर टॉस हो जाता है तो उससे आइडिया हो जाता है। मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत जो क्रिकेट मैंने खेली है हमने इंतहाई धोखा खाए हैं, क्रिकेट को चैलेंज नहीं कर रहा। बड़े 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 लोग जो है ना उनको मैंने देखा है कि वो विकेट से धोखा खा जाते हैं, जो पिछले मैच में एक एविडेंस है। पाकिस्तान ने जो पैनिक बटन दबाया इसलिए दबाया कि पाकिस्तान लास्ट मैच की पैनिक बटन कर सका था। पैनिक बटन एक तो वो ब्लेंडर जो हुई, जो फैसला आपका गलत हुआ, और जो कमजोरी है मैनेजमेंट की वो उसकी वजह से हुआ। एक मेंटली स्ट्रांग जब तक टूर पार्टी आपकी नहीं होगी, आपको आपका चेयरमैन तक तो महफूज नहीं, उसका पता नहीं कि कल क्या होगा। सही बात है, आप कैसे, मैं तो ये बात, ये सिस्टम तो है ना सर, आपके यहां पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे टीम पे तो रिफ्लेक्ट करता ही है ना। बात है कि देखो ना, उस सिस्टम की सर बात नहीं हो रही है, बात ही हो रही है कि करंट जो सिचुएशन। अच्छा, वो करंट टीम पे देखिए, अगर ये वाली बात तो ना, क्या है अब ये कि हमारी जो चेंज की गई है टीम, आप मुत्तफिक हैं इससे? देखें, जो आपने बात की थी वो ठीक है, लेकिन जहां इतने सारे फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं, और अगर फर्ज करें हम इसको ये अज्यूम कर लेते हैं कि विकेट फास्ट बॉलर को हेल्प करेगी तो ठीक है, अदरवाइज भी आइडिया हो जाए। अदरवाइज जो है, क्या बोला था कब, अभी वो बोल रहे थे जो आपने बात बोली थी वो सही पे नहीं, वो पता नहीं अभी तो चले बात। अच्छा, अगर विकेट ये सपोर्ट उनको नजर आती है मैनेजमेंट को हमारी, जो खास तौर पे इस वक्त डिसीजन जो लेना है वो वहाँ कोच मैनेजर व्हाटएवर जो लोग हैं कप्तान हैं कि आया इस विकेट के ऊपर स्पिनर की जरूरत थी या फास्ट बॉलर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि खासतौर पर शाहनवाज धानी जो है,
अगर उनको वीजा मिल गया और वो चले गए, आई एम नॉट श्योर कि अभी तक उनको वीजा मिल गया है और रात को पहुंच जाएंगे सुबह तक, ओके, तो वो थोड़ा सा लकी हैं, उनकी जगह अबरार की जगह बनती थी कि अगर वो आप उनको ले जाके और चेक करते तो वो ज्यादा बेहतर था। कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस देखें किस तरह से उसने, कुलदीप यादव देखें आप वेला लेके देखें क्या जबरदस्त बॉलिंग की, एक पांच आउट कर दिए, सारे जो जेन्युइन स्पिनर्स हैं उनकी जरूरत इंडिया में होगी, वहां तो 300 के मैचेस हैं, वो जो पिचेस हैं वहां तो जो है वो बड़े फ्लैट ट्रैक आउटफील्ड थे, एक जेनुइन स्पिनर तो फिर आपके पास अबरारी बचता है ना सर। मैं यही कह रहा हूँ कि आप अगर भेज देते तो आपके लिए ये मौका मिल जाता, ये एक अच्छी चीज हो जाता। और बाबर आजम ने जो ये बात कही है कि मेरे 15 जो है वो मुझे पता है वर्ल्ड कप में क्या होंगे और हमारा जहन बन चुका है, तो अब जहन क्या होगा इस वक्त? ये नसीम परसों भी आपने बोला था तो जिस पे मैंने जवाब दिया था जो इन्होंने जहन बना। चलें फिर इस बात पे आपने जवाब दे दिया तो इनका सवाल ले लेता हूँ। जी कॉलर आ गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं नुमान बात कर रहा हूँ। नसीम भाई, नुमान भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? नसीम भाई बात यह है कि ये पैनल जो हमारा बैठा है ये पाकिस्तान टीम के लिए यज्ञ के बाद दी गई तब्दीलियों की बात तो करता है, मगर आप तब्दीलियों के मुखालिफ क्यों है? तब्दीलियों के मुखालिफ क्यों है हम? हाँ ये भाई, ये शुएब भाई बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, ये तब्दीलियों की बात करते थे भाई, फखर जमान को बिठा दो, अब उनको बिठा दिया गया है तो आप ये बोलते हैं कि खेलना चाहिए, मगर आप मुखालिफ क्यों हैं? तब्दीली तो हो गई। आपके लिए कह रहे हैं तो आप जवाब दें इसका, तो मैंने शुएब भाई नहीं तो मैंने तो बोला भाई है कि इसको वो कह रहे हैं शुएब भाई, अब क्यों कह रहे हैं कि तब्दीली हो? आपने तो अभी नहीं कह रहे हैं कि वो आपने कह रहे हैं कि तब्दीली होनी चाहिए, ज्यादा तब्दीली होनी चाहिए, कह रहे हैं शुएब भाई को क्या इतराज़ है? नहीं तो मैं कह तो रहा हूँ ये तब्दीली सऊद शकील की और नवाज की, इनकी सही नमान भाई ने हमें पूछा नहीं, आपने बात कर दी, मैंने यही चीज बोल दी। आप मुझे ऐसा लगा ये कोई केपीके से कॉल थी आपके लिए, आप सपोर्ट बहुत करते हैं हम। नहीं ये बादशाह में आता हूँ, ये बात में होगी। अच्छा चले आमिर भाई, अभी ये जरा हमारा थोड़ा सा अपने वर्ल्ड कप पे भी बात कर लेते हैं। कल वैसे जाते जाते कल कौन फेवरेट है, ये एक सवाल जरा मुकम्मल कर ले, कौन है? पाकिस्तान की टीम डीमोरलाइज है तो मुझे लगता है कि श्रीलंका फेवरेट है। जी वो भी हार के आ रहे हैं, उनसे तो 213 भी नहीं बने इंडिया तो से हारने के बाद और पांच तब्दीलियों के बाद जो है ना आप पूरा कॉम्बिनेशन। यस यस वेरी गुड आमिर भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पाकिस्तान के फेवर में हूँ और आगे भी पाकिस्तान के फेवर में रहूंगा। दिल पाकिस्तान के साथ है। दिल के अलावा मुझे पाकिस्तान के ठीक है, एक हम बड़ा खराब मैच खेले, आगे कमबैक करेंगे इंशाल्लाह, कमबैक करेंगे नए लड़कों के साथ करेंगे। नए क्या, वही सारे मैच्योर लड़के हैं, बैलेंस टीम खिलाएं, सही डिसीशन लें। हारिस को जो खिलाया वैसी बैलेंस लग रही है आपको अब्दुल्ला शफीक के होते हुए? कह तो दिया अभी वो आपने कह दिया। एक बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ठीक है अब्दुल्ला शफीक हमारा एक प्रोमिनेंट और एक बड़ा एक क्या कहना चाहिए परफेक्ट प्लेयर है। हाँ उसको मौका मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। हारिस को हारिस तो नहीं खिलाया, एक सेकंड, हारिस से T20 का प्लेयर सर वो तो हारिस को इसलिए खिलाया कि आपने परसों बोला था हाँ कि चेक कर लो हारिस को। मैं ये मेरा सवाल है, मगर मैं यही सवाल आपसे कर रहा था कि T20 के प्लेयर सर ये वाला सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हारिस को चेक कर लो कि अगर सरफराज को लेके जाना है तो बेहतर आप कर सकते हैं। लेकिन आप चले ये वाले छोड़ दें, मैं आमिर भाई से दो बातें जरूर मैनेज करनी है। आमिर ये ओवर 40 क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी टीमें आ रही हैं, कैसी तैयारी है? नसीम भाई ओवर 40 जो ग्लोबल कप होने जा रहा है ये इसका बाकायदा आगाज तो 19 तारीख से होगा। इसमें एक दिन के अंदर 4 मैचेस हुआ करेंगे जिसमें एक मैच नेशनल स्टेडियम कराची में होगा और दूसरा मैच मोइन खान अकेडमी, तीसरा कराची जिमखाना और एक नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कुछ मोइन खान तो मैं नाम ले चुका हूँ और कुछ मैचेस हमारे साउथ एंड पे भी होंगे जी। लेकिन इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो 18 तारीख को गवर्नर साहब जो है उसका मतलब इफ्तिताह करेंगे और इंशाल्लाह ताला वहाँ से समझ लें कि ऑफिशियली हमारा आगाज हो जाएगा। टोटल 36 गवर्नर हाउस में जी, गवर्नर हाउस जी, टोटल 36 मैचेस इस टूर्नामेंट में खेले जाएंगे और तमाम टीमें जो हैं वो 9 मैचेस जो है वो बराबर खेलेंगी। थोड़ा सा इस टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है वो जो हम आम तौर पे दीगर चीज़ें देखते हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें आप हारें या जीतें आपने खेलने 9 मैचेस होते हैं क्योंकि सिंगल लीग तो है लेकिन उसके साथ साथ एक जो चीज़ आ जाती है पोजीशन, टीम पोजीशन के लिए भी मैचेस होते हैं और बाकायदा प्लेट फाइनल भी होता है, यानी जो 5वें नंबर पर आने वाली टीम होती है उसको प्लेट फाइनल विनर कहा जाता है और बाकी सेमीफाइनल फाइनल भी जरूर होता है उसके साथ जो भी है। तो कौन कौन सी, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, बड़े नाम आए
जी वेस्ट इंडीज से 3 इंटरनेशनल क्रिकेटर इस वक्त आ रहे हैं, जिसमें से एक जो है वो अभी रिसेंटली PSL भी आपका खेल के जा चुके हैं पाकिस्तान में, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बहुत अच्छी टीम है, गो के उसमें कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन चूंकि मैं अभी रिसेंट पास में ऑस्ट्रेलिया होके आया हूँ, तो मैंने वहाँ उनकी जो 60 साल की भी उम्र की खिलाड़ियों की फिटनेस देखी और उनका जो जज्बा देखा वो नाकाबिले यकीन। हमारे भी तो शायद मार रहे थे, हमारे भी तो शायद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ ओवर 40 ब्रिस्बेन का जो मैं आपको बात कर रहा था ना वो ओवर 60 थे। तो मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि जब उनकी फिटनेस लेवल और जो मैंने वहाँ स्पोर्ट्स कल्चर देखा अपनी आंखों से, अनबिलीवेबल कि आप सुबह निकल जाएं, कोई जो है वो सर्फिंग के लिए निकला हुआ है, कोई वो अपना रोलर जो शूज होते हैं उसके साथ चल रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, हर आदमी फिट नजर आ रहा है। और सुबह अगर ऑफिस जा रहे होते हैं, मैंने ये भी देखा कि वो भागते हुए जा रहे होते हैं अपने ऑफिस के, इसी तरह ट्रेनिंग हो जाएगी। जी जी एग्जैक्टली वो ऑफिस भी ऐसे जा रहे होते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की फिटनेस के हवाले से भी बहुत अच्छी टीम वो फेवरेट होगी। अब फेवरेट तो डेफिनेटली पाकिस्तान को कंडीशन और दीगर हवालों से बहुत ज्यादा चांसेस हैं इंशाल्लाह। इस पे और भी आपसे मैंने बात करनी है, लेकिन इस वक्त हमारा हेडलाइन का टाइम हो गया। जरा ग्लोबल कप पे आपसे डिस्कशन चलेगी, वर्ल्ड कप हो रहा है हमारे मुल्क में ग्लोबल कप के नाम से, बहुत सारे लोगों को एतराज़ हो गया था वर्ल्ड कप नाम क्यों रखते हैं, हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया, लेकिन टीमें तैयार हैं, मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप लोग सब ने अपने हीरोज़ को सपोर्ट करने के लिए भी पहुँचना है, ये मैच टेलीवाइज भी होंगे नेशनल स्टेडियम कराची से, जिसको आप भरपूर अंदाज से इन्जॉय करेंगे। फवाद एजाज खान साहब की सरबराई में जो टीम काम कर रही है वो बहुत मेहनत के साथ काम कर रही है, इंशाल्लाह उसके नतीजे अच्छे सामने आएंगे। शेब अभी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आमिर भाई बहुत शुक्रिया, अनवर भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल रात को 10 बजे फिर मिल रहे हैं, टिल देन अल्लाह ने के बाद।